न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ जन नाट्य मंच के कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जन नाट्य मंच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं 1973 में में ग्रुप शुरू किया गया था और आज 2023 50वां साल मना रहा है जन नाट्य मंच वर्किंग क्लास इलाकों में कामगार जहां पर लोग का, काम करने वाले लोग रहते हैं वहां जाकर नाटक खेलता है स्ट्रीट थिएटर ग्रुप है शुरू में प्रोसेनियम प्लेस से शुरू किया गया था उसके बाद मशीन एक नाटक जिसके बारे में आप परिचित होंगे स्ट्रीट प्ले था मशीन नाम का जिस जो कि पहला नाटक मंच का था आज हमारे साथ मंच के वो लोग भी हैं जो कि जब शुरू हुआ था ग्रुप तब से काम कर रहे हैं जन्म के साथ और वो लोग भी हैं जो एकदम रिसेंटली इससे जुड़े हैं पचास साल हुए हैं जन्म के हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या शुरू जब हुआ था तब किस तरीके से ये ग्रुप शुरू हुआ कैसे अभी तक चल रहा है और जो नए लोग इससे जुड़ते हैं उनका क्या इंस्पिरेशन रहता है इस ग्रुप से जुड़ने का और भी कई सारी बातें स्पेसेस वगैरह के बारे में होंगी तो मैं स्वागत करता हूं आज जो हमारे गेस्ट हैं जन्म के कलाकार मैं पहले इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि कौन लोग हैं कब से जननाट्य मंच में हैं और दूसरा के इसके अलावा अगर हम करें कि प्रोफेशनली क्या काम करते हैं तो उसके बारे में अगर आप बता सकें नमस्कार मेरा नाम आत्मन है आ, मैं जन्म में दो से हूँ और मैं वैसे तो एक विद्यार्थी हूँ मैं अपना बी अभी परस्यू कर रहा हूँ नमस्कार मेरा नाम प्रियंका है मैं जन्म में 2016 से हूँ मैं स्टूडियो सफदर शादीपुर में एक स्पेस है जो जन्म के द्वारा ही इनिशिएट किया गया है उसको मैनेज करती हूँ उसमें प्रोग्राम मैनेजर हूँ मेरा नाम सानिया है और मैं जन्म से 2003 में जुड़ी थी तब मैं कॉलेज में आई थी तब जुड़ी थी और वैसे मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ और दिल्ली में बेस्ड हूँ हाँ uh, मेरा नाम अशोक तिवारी है हाँ uh, मैं उन्नीस सौ इक्यानवे से जननाट्यमंच के साथ जुड़ा हूँ और मैं पेशे से uh, टीचर हूँ और लगातार एक्टिंग और जन्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ नमस्कार मैं मलेश्री हाशमी मैं बहुत सालों से जननाट्य मंच से जुड़ी हूँ जननाट्यमंच के बनने से पहले भी और उसके बाद भी मैं छोटे बच्चे और uh, टीचर ट्रेनिंग्स के साथ मैंने बहुत सालों तक काम किया है और जन्म में हूँ दिल्ली में रहती हूँ जी मरीशी पहला सवाल मेरा आप ही से है जब हम अगर बिगनिंग की बात करें जननाट्य मंच जब शुरू हुआ उन्नीस में आठ से पचास साल पहले तो किस तरीके से इंस्पिरेशन आई थी कि एक नया ग्रुप शुरू करने की और दूसरा जब हम स्ट्रीट थिएटर की बात करें फुल टाइम स्ट्रीट थिएटर करने तक का जो सफ़र था और उसके बाद का जो सफ़र था वो किस तरीके का रहा दरअसल उन्नीस में ऐसा कुछ किसी को नहीं लगा कि हमें ग्रुप शुरू करना चाहिए जन्नाटमंच की शुरुआत जो है उससे कम से कम ढाई साल पहले से है आ, बहत्तर में अगर देखा जाए लेकिन इकहत्तर के अंत से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली की जो दिल्ली का जो यूनिट था आई भारतीय गणनाट्य संघ उसको उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया तो दिल्ली का जो इप्टा था वो फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ में बहुत एक्टिव था उसके बाद वो तकरीबन निष्क्रिय हो चुका था तो उसको दोबारा से जब रिवाइव किया तो उसमें ये बहुत साफ था कि उ, उन दिनों में बहुत सारे नए लोगों के जुड़ने से ये लगा कि एक ज़रूरत है इस तरह की कि, अलग किस्म के आ, कलात्मक गतिविधि में जुड़ने का जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जनता के साथ जुड़े क्योंकि इप्टा का जो मोटो है और वो जननाट्य मंच भी उसका वारिस अपने आप को समझता है कि पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल टेकिंग थिएटर टू द पीपल यही हम करते हैं और इप्टा भी करता था तो इप्टा के दिनों में हमने शुरू किया लेकिन दो ढाई साल बहुत नए लोग जुड़े नाटक भी नए लिखे गए एक पुराना दो नए नाटक भी किए गए लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से वो ग्रुप उस तरह से चला नहीं वो जो ग्रुप कहना भी गलत होगा वो जो फोरम था उस तरह से तो तिहत्तर में जो है उसी से निकले हुए कुछ लोगों ने सोचा कि हम अपने आप को जननाट्य मंच बोलेंगे एक्चुअली जननाट्य मंच भी एक तरह से भारतीय गणनाट्य संघ का एक और एक तरह से तर्जुमा तो नहीं लेकिन वही उसी तरह का जन नाट्य मंच और नाटक का, का काम शुरू हुआ शुरू में बड़े बड़े मंच नाटक करते थे म्यूजिकल्स करते थे दो तीन म्यूजिकल्स किए थे इमरजेंसी के बाद एमरजेंसी के दौरान तो दिल्ली में कुछ खास हो नहीं पाया था तो मंच भी कुछ नहीं कर रहा था लेकिन मैंने इमरजेंसी ख़त्म होते ही एक और मंच नाटक किया फिर उसके बाद एक और किया और उसके हम बहुत ज़्यादा शोज़ तब नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस हालात में नहीं थे इमरजेंसी के मार के बाद कि वो जो है अभी कला के तरफ इतना समय और मतलब जिसे कहते हैं पैसे की बात नहीं इंतजाम कर पाए जो जिससे कि हम नाटक करें तो इसीलिए 1978 में गर्मियों की बात है जुलाई या अगस्त की बात है हम लोग छोटा सा हम तब सात आठ लोग बच गए थे एक्चुअली उस टाइम पे और मतलब क्योंकि नाटक अगर हो नहीं रहे हैं शोज तो फिर लोग भी इधर उधर हो जाते हैं तो सफदर ने यह बात कही थी और मुझे क्लियरली अब भी याद है कि अगर हम यार हम कैसे रुक, रुक कैसे सकते हैं अगर हम बड़े नाटक नहीं ले जा सकते हैं जनता के बीच में तो छोटे नाटक ले जाएंगे अब छोटे नाटक कहाँ से लाए तो ढूंढने लगे कुछ नहीं मिला तब जो है जो नाटक लिखा गया मशीन जो राकेश सक्सेना और सफदर ने लिखा उसका जो रिसेप्शन था नाटक का शुरू दिन से और उसके तुरंत एक डेढ़ हफ्ते बाद भी उससे हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि हमने कोई ऐसी चीज़ कर दी कि इसको हमें आगे बढ़ाना है हमें एकदम एकदम हम हैरान थे और जाहिर है कि वो दौर था बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे संघर्ष चल रही थी अलग अलग लोगों के बीच में तो बहुत ही हमारा कामयाब वो और सिर्फ मशीन ही नहीं हम लगातार एक के बाद एक के बाद एक नाटक करते रहे और अगले दस साल तक अठहत्तर से लेकर अठासी तक हमने सिर्फ़ नुक्कड़ नाटक किया लेकिन उसके पहले हम मंच नाटक करते थे और हमारा हमेशा इरादा था कि हम मंच नाटक और नुक्कड़ नाटक दोनों करें जो अट्ठासी में जाके फिर से सफदन ने और हबीब साहब की मदद से एक प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतरण किया तो उससे हमारा दोनों नाटकों का दौर फिर से शुरू हुआ जी अब यहाँ मैं एक बात अपने दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि 89 में जनवरी में एक सुबह एक जनवरी को जब जननाट्यमंच गाज़ियाबाद के साहिबाबाद इलाके में परफॉर्म कर रहा था तब उन पर एक कुछ गुंडों ने हमला किया था जिसमें कि सफदर हाशमी की अगले दिन उसमें मौत हो गई थी और एक मजदूर भी थे राम बहादुर इलाके के उनकी जो है आ, हत्या कर दी गई थी एट्टी में उसके बाद से हर साल आप न्यूज़ पर लगातार देखते भी रहते हैं कि हम हर साल एक जनवरी का जो वहाँ पर प्रोग्राम होता है सफ्दर हाष्टी शहादत दिवस नाम से उसका हम आ, रिपोर्टिंग भी हम करते रहे हैं और मंच भी हर साल वहाँ पर आ, जो है जाता रहा है आ, मेरा अगला सवाल प्रियंका आपसे है कि जब आप क्योंकि आपको पाँच साल से ज़्यादा का आ, वक्त हो गया है तो जब एक नया आ, साथी दिल्ली में ही रहने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ, पढ़ा हुआ इंसान जब आपने ज्वाइन किया अगर मैं स्पेसिफ़िकली आपकी बात करूं तो क्या इंस्पायर करता है नाट्य मंच में जुड़ने के लिए क्योंकि आप देखें कि नाटक करते हुए कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई सीढ़ी है कि हम इसलिए आएँ कि हम आगे जाकर आ, टीवी में चले जाएं या फिल्मों में चले जाएं क्या ये मोटिवेशन रहता है किसी का या ये रहता है कि सिर्फ नाटक करना वर्किंग क्लास के इलाकों में नाटक करता है जन्नाट्यम तो क्या इंस्पिरेशन आपका था और उसके बाद का जो अपना सफ़र है उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें um. जन नाट्य मंच मैंने 2016 हज़ार की दिसंबर में ज्वाइन किया था जन नाट्य मंच के बारे में मैंने कॉलेज में सफदर हाशमी जन नाट्य मंच के बारे में थोड़ा सुना था लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी मैं मेरा ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन सिर्फ थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना था जब मैं जन्म जन्म में आई तो यहाँ का माहौल और यहाँ पर इतना कुछ जो सीखने को मिला मेरा रुकने का इंस्परेशन मंच था मैं आ, मतलब लोगों के बीच में जाके परफॉर्म करना ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था जन्म जन्नाट्यमंच में रुकने का क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था और और चीज़ों के बारे में जानना चीज़ों के बारे में सीखना पॉलिटिक्स के बारे में जानना अलग अलग चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करी हैं यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे रहने के लिए और जब हम इलाकों में जाते हैं तो एक सबसे पहला जो चीज़ मुझे वो कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करी थी ये कि जब इलाकों में जाती है तो सब लोग ऐसे इकट्ठे हो जाती है कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है तो एक उनकी आँखों में एक चमक देखने को मिलती है वो चमक देखने के लिए इट्स इट्स लाइक इस सो इंस्पायरिंग कि आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हो कि अरे मतलब वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर हम बात करें जन्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में तो क्या कोई ऐसा वाक्य आपके जहन में है जिसमें आपको लगता हो कि ये एक ऐसी घटना किसी शो के बारे में जिससे कि ऑडियंस को डायरेक्ट जो है उसको असर आपको देखने को मिला कि इस परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को डायरेक्टली अफेक्ट किया है कुछ ऐसा अगर अगर आप आ, कुछ साझा कर सकें तो मुझको आ, मैं जन्म में जब आई थी तो मैं शुरुआत में मैंने काफ़ी नाटकों में एक्टिंग करी शुरुआत के उसमें तो मुझे और उसके बाद मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हूँ आ, पर जब शुरुआती नाटकों में मैं जाती थी तो फ़ौरन के फ़ौरन जो आप आप जब परफॉर्म कर रहे हैं उसके तुरंत बाद कई बार नाटक करते करते ही लोगों के जो कमेंट्स आते थे मुझे याद है हम इलेक्शन का प्ले करने गए थे उत्तराखंड में तो आ, उसमें आ, नौकरी की कुछ तो बात हो रही थी और मैं नौकरी बनी थी जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी पुरानी बात हो गई है पर आ, तो नाटक चल रहा था उसके दौरान ही मतलब लोग उसी उसी दौरान बोलने लग गए कि सही तो बात कर रहे हैं कि मतलब नौकरी नौकरियों का तो अकाल पड़ा हुआ है और नौकरियां हमें भी चाहिए तो मेरा ये कहना है कि लोग जो हमें लगता है कि हम अपने मिडिल क्लास जगहों से आते हैं हमें लगता है कि जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं शायद वो आ, हमारी बात को समझ ना पाए ये हम एक एरोगेंस लेकर जो आते हैं वो uh, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज वो हर हर रोज़ ये ये सच्चाई जी रहे हैं वो लोग ज़मीन पे ये होता देख रहे हैं तो चाहे वो नौकरी की बात हो चाहे वो एजुकेशन की बात हो चाहे वो कम्युनलिज्म हो कास्ट की बात हो वो हर रोज ग्राउंड पे ये होता देख रहे हैं तो वो वो कनेक्शन आप होते हुए अपने आप कई बार मैं एज ऑडियंस मेम्बर जा चुकी हूँ तो वेन आई एम देर तो मैं सुनती हूँ लोगों की बातचीत होते हुए देखती हूँ तो यू कैन सी के लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग समझ पा रहे हैं और लोग कई बार नाटक के बाद भी जो बातचीत करने आते हैं एक्टर्स से आकर बात करते हैं और बच्चे जिस तरह से मतलब बच्चों को तो देख मज़ा आता है जिस तरह से वो नाटक के साथ मज़े लेते हैं अब अशोक जी आपसे मुझे ये पूछना है कि हम अगर बात करें कि ग्रुप क्योंकि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर काम करते हैं और लगातार इलाकों में जाकर परफॉर्म करना है उसमें खर्चा होता है तो ऑडियंस से आप लोग जो है डोनेशन लेते हैं तो ये क्या इसी से जो जन्म का कामकाज है इस तरीके से चलता है या इतने पचास साल अब हो चुके हैं तो मतलब एक नॉर्मल सा सवाल है कि फ़ंड कौन कर रहा है कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो जन्नाट्य मंच जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो कलेक्शन होता है जो डोनेशन लेते हैं हम हमारी मेन जो सोर्स है वो जनता है जिनके बीच में हम जाकर के नाटक करते हैं उन इशूज़ पर नाटक करते हैं जो जनता जनता के इशू हैं और वो जो जनता है जो नाटक हमारा देख रही है वो नाटक अपने अपने हिसाब से अपनी आ, जितनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से वो कलेक्शन हमें आपने कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें कई बार कुछ लोग बहुत ही कम करते हैं कई बार कुछ लोग अच्छा ठीक ठाक कर देते हैं तो द पॉइंट इज द रेंज होता है वहाँ पर एक बार की मुझे बात याद है जब हम जब हम वेस्ट बंगाल में शोज़ के लिए गए थे तो वहाँ पर एक बच्चा देख रहा था एक बच्चा स्कूल से आकर के नाटक हमारा देख रहा था उसके पास बैग उसके कंधे पर टंगा हुआ था और शो के बाद में मुझे याद है कैटेगरी के लिए कि उसने अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोला उसमें से एक रुपये का सिक्का निकाला और उसने डोनेशन में दिया तो वो इतना टच करता है कि बच्चे ने इतनी ये उसे नाटक अच्छा लगा उसके बाद जो एक रुपए का शायद वो अपनी आइसक्रीम खा सकता था या कुछ चीज़ें ले सकता था लेकिन नहीं उसने कंट्रीब्यूट किया तो ये जो फीलिंग है ये जो ये जो आ, 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 इस तरीके से महसूस करना एक ऑडियंस का मेरे ख्याल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे काम के लिए हम जिस तरह से काम करते हैं और इसके लिए बेसिकली हम किसी तरीके का कोई फंडिंग ना किसी सरकार से न किसी धन्ना सेठ से न किसी एन से किसी से नहीं लेते हमारी ऑडियंस भी हमारा मेन सोर्स है हमारी हमारे फाइनेंस का और जो डोनेशंस हैं बेसिकली डिफरेंट तरह के हैं वहाँ भी डोनेशंस को अगर हम देखें तो हमारे डोनेशंस जो होस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे वो भी कई बार हमें डोनेट करते हैं हमारी परफॉर्मेंसेस के लिए भी और हमारे जो हमारे जो काम के प्रशंसक हैं जो कभी हमारे साथ नाटक में करने में भी रहे होंगे डेफिनेटली हमारे काम को भी उन्होंने देखा होगा लेकिन आज वो आज हमारे काम की प्रशंसा करते हैं अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को तो वो वो भी डोनेट करते हैं तो वो भी हमारे आ, हमारे फाइनेंस के लिए आ, हम हमें सपोर्ट करते हैं आपसे है मेरा सवाल कि जब ये जो रैली थी इसके लिए परफॉर्म किया अलग तरीके का प्ले था और उसमें सीधा कहा जा रहा था कि आप रैली में जुड़िए और रैली में शामिल होइए तो मंच जो है वर्किंग क्लास से इस तरीके से जो कनेक्ट होता है और इस कॉज़ के लिए मतलब या किसानों की बात हो या मजदूरों की बात हो नाटक में शामिल तो वो बातें हमेशा से रहती हैं लेकिन ये स्पेसिफिकली इस कैंपेन के तरफ जो शोज़ हुए थे उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं जी इस इस कैंपेन के लिए हमने जो नाटक बनाया था वो एक बहुत छोटा दस मिनट का नाटक था जो सिर्फ़ एक तरीके से एक पोस्टर नाटक था वो हमने सिर्फ प्रचार के लिए कि आप इस कैंपेन से जुड़ें और इस इस कैंपेन में इस इस कैंपेन में ये नाटक करने के लिए हमारे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन्स ने भी बहुत मतलब साथ दिया और उन्हीं का मेन साथ था और अम, हमारे नाटकों से लोग जुड़ते थे मुझे एक एक चीज़ मुझे याद है कि हम यहाँ पे आपका नाटक कर रहे थे तो जगह मुझे याद नहीं आ रही करोल बाग करोल बाग के पीछे हम नाटक कर रहे थे और बीच नाटक में एक व्यक्ति वो कुछ खिलाफ़ में बोल रहे थे तो हमारे साथी जब उनको रोकने के लिए बस कि आप दो मिनट चुप हो जाइए बस नाटक ख़त्म ही होने वाला उससे पहले जो जनता वहाँ पे थी उन्होंने ही उस व्यक्ति को रोक दिया कि तुम रुक जाओ वो सही कह रहे हैं हाँ। तुम बाद में सोचना या बाद में बात कर लेना अभी तुम रुक जाओ ऐसे जो किस्से थे या जब हम किसी किरदार को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं तो लोग उससे भी रिलेट कर रहे थे और हमारे नाटकों के बाद हमारे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ के साथी जब जनता को संबोधित करते थे तो उससे भी मतलब काफ़ी असर पड़ता था इस कैंपेन में और हाँ मतलब ये कैंपेन हमने फोर्टी फाइव शोज़ किए इस कैंपेन में हमने लगभग दो डेढ़ दो हफ्ते के तेरह दिन, दिन में हमने फोर्टी फ़ाइव शोज़ किए और आ, हम जन नाट्य मंच भी हमें बहुत खुशी है कि हम इसमें हमारे साथियों का साथ दे पाए एक तरीके से इस कैंपेन को बढ़ाने में इसका प्रचार करने में ताकि आ, अलग अलग जगह के अलग अलग कामकाजी जगहों पे जहाँ पे लोग रहते हैं उनके बीच हम जाके कर पाए हो सकता है उसमें से दो चार लोग गए हों हो सकता है दो चार ने आसपास किसी को बताया हो इन्हीं मैं इतना ही कहना चाहूँगा <laughs> माला अगर हम पिछले दस सालों की बात करें या हाल के सालों की बात करें तो जन्म क्योंकि सिर्फ इलाकों में ही नहीं परफॉर्म करता है इंस्टीट्यूशन में भी कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी जाकर परफॉर्म करता है तो क्या शोज़ परफॉर्म करने में और मतलब एक तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को परमिशन लेने में जो भी आप लोग आपको बुला रहे हैं जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं या टीचर्स हैं क्या उनको मुश्किलें आई हैं आपको लगता है कि रोक टोक क्या बढ़ी है नाटक परफॉर्म करना मुश्किल हुआ है या फिर सब स्मूथ चल रहा है जैसे पहले होता था दरअसल दिल्ली के जो चार यूनिवर्सिटीज़ में हम अक्सर जाते हैं आई यूनिवर्सिटी में तो हम शायद एक आध बार ही गए हैं और जो अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हमने भी एक आध बार गए हैं लेकिन दिल्ली के जो चार यूनिवर्सिटीज़ हैं जे न्यू में स्टूडेंट्स हमें बुलाते हैं और हम शोज़ करते हैं वो जब भी बुलाते हैं हम गए हैं और उनको परमिशन वो कर लेते हैं मैनेज उनको ज़रूर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है लिखनु हो जाता है लेकिन बाकी तीन यूनिवर्सिटीज़ में ये सही बात है कि तौर पे पिछले तीन साल से आ, एक से ज़्यादा बार हुआ है कि हमें कोई ड्राम ने ड्रामा सोसाइटी ने या किसी जैसे पिछले दिनों में एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट का फेस्टिवल हो रहा था उसके लिए अलग अलग मौक़ों पे हमें वो नाटक के लिए बुलाते हैं जो कॉलेज प्रेमिस में वो चाहते हैं और उनको एंड वक्त पे या शुरू में अलग अलग टाइम परमिशन नहीं मिलता है, है. और ये हमारा मेरा जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इंक्रीजिंगली स्टूडेंट्स के की पहलकदमी से जो कलात्मक गतिविधियाँ होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं डिपार मतलब अथॉरिटी करते हैं नहीं उसके अंदर हमेशा अड़ंगे डालते रहते हैं मतलब यहाँ तक कि पिछले दिनों में एक एक कॉलेज की बात है जहाँ पे उनके हिस्ट्री डिपार्टमेंट का फेस्ट हो रहा था कि कौन से स्पीकर्स होंगे वो कहते हैं सेफ नाम होना चाहिए नॉन कॉन्ट्रोवर्सल hmm. अब कॉन्ट्रोवर्सिक है ही नहीं है मुझे नहीं मालूम मतलब ये एक एक इस्तेमाल एक मतलब एक डंडा है और कुछ नहीं ये बहाना है फ्रेंकली ताकि लोग जो हैं ना करें कोई चीज़ एक्चुअली hmm. तो मुझे ये ऐसा लगता है क्योंकि कॉलेज uh, हमें कभी नहीं बुलाते हैं ये तो मैं नहीं मानती कि यूनिवर्सिटीज़ तो बुलाते हैं जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बुलाते हैं कभी कभी इंस्टीट्यूशनस भी बुलाते हैं ऐसी बात नहीं है और हम जाते भी हैं और हम करते भी हैं लेकिन स्टूडेंट्स के पहल से कुछ हो रहा हो ये तीन ये तीन यूनिवर्सिटीज़ में डेफिनेटली एक फ़र्क आया है जहाँ तक दिल्ली के अन्य जगहों की बात है दिल्ली में आपको मैं बताऊं कि आप जितना सेंट्रल एरिया है सेंट्रल दिल्ली जो है ज, जो मतलब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द है या जो ऐसे इलाके जहाँ पे जो नज़र में रहते हैं जिनके बारे में खबर होती है वहाँ पे तो सही बात है आप नाटक अब नहीं कर सकते ज़माना था जब हम करते थे बोट क्लब में जो एकदम सरकारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट का इराक़ा है हम वहाँ पे लंच आवर शो में पूरे अस्सी के दशक में हमने नाटक किया है इनफैक्ट नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में भी हम कहीं वहाँ पर गए हैं और कभी किसी को नहीं रोक टोक हुई है लेकिन धीरे धीरे वो वन का आप बहाना कह लीजिए या वो लागू होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा जो ताम झाम है उसको चालू कर देना वो है वहां पे करना बड़ा मुश्किल है और किसी भी जैसे अगर हम मान लीजिए वो सेंट्रल दिल्ली ना भी हो कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसके बाहर हम कर रहे हों तो वहाँ पर भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है लेकिन हम लोग जहाँ परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर मतलब हमारे 85 परसेंट शोज़ जहाँ होते हैं वो तो झुग्गी बस्ती रिसेटलमेंट कॉलोनीज फैक्ट्री एरिया में होता है वहाँ पे तो लोकल यूनियंस जो हैं या विमेन्स ऑर्गनाइजेशन जो हैं वो बुलाते हैं और वो उनके उन्हीं के हम वो बुलाते हैं और हम जाते हैं और उस तरह से रुकावट होती नहीं है लेकिन आ, कभी कभी पुलिस उसमें भी आती है जैसे अगर मान लीजिए हड़ताल हो रही हो आ, इंडस्ट्रियल हड़ताल हो रही हो तो उसके पहले हर जगह पे रोक टोक होता है तो तब जो है आपको आप हम नहीं लेते हैं परमिशन लेकिन जो यूनियंस हैं वो एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम जो है फला फला दिन को चार चार नाटक कराएंगे ख़त्म तो वो परमिशन नहीं वो इतला दे दी जाती है ख़बर दे दी जाती है दैट्स ऑल कोई परमिशन की बात कभी नहीं होती है लेकिन वो भी कभी कभी होता है और अगर मान लीजिए आप दिल्ली के बहुत दूर बाहर देहात तो नहीं अब दिल्ली इतना बड़ा हो गया जहाँ पे जाते हैं वहाँ हम तो कहते हैं काश वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो वहाँ पे तो लोगों की ज़िंदगी के, के लिए भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना वहाँ पर लाइटें नहीं होती हैं हालात ऐसे होते हैं कि काम शाम होते ही महिलाओं को अकेले काम से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो आती हैं वो सब काम का महिलाएं हैं और वो देर को लौटती हैं वो रहती तो दिल सेंटर से 25 किलोमीटर दूर लेकिन वो जब घर लौटती हैं तब तो अंधेरा हो जाता है ना काम तो वो शहर में करते हैं बड़े घरों में तो वो जब वापस जाती हैं उनको वो सब सिक्योरिटी का इंतजाम कुछ इलाकों में नाम मात्र हुआ है मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं मगर कुछ ही इलाकों में हुआ है सब जगह नहीं हुआ है मुझे लगता है कि हम एक आखिरी सवाल ये हर किसी से हम पूछ सकते हैं जो कि आप मतलब एक एक में अगर आग देना चाहें। क्योंकि सबके लिए इसका जवाब मुझे लगता है कि अलग हो सकता है कि क्या वो चीज है जो कि जननाट्यमंच को पचास साल बाद भी अभी तक जो है जारी रखे हुए है और क्या वो मोटिवेशन है क्योंकि नाटक करना ऑब्वियसली है लेकिन क्या आप लोगों को लगता है अगर कोई भी इसमें कुछ बोलना चाहे आ, मुझे लगता है कि जननाट्य मंच जिस तरह की नाटक करता है वो जो मुद्दे हैं जनता की बात जनता के इश्यूज को उठा करके नाटक करना ये जन ये मंच का एक ताकत है और इसलिए मंच अपने उसी शिद्दत के साथ उन इश्यूज को उठाता रहेगा जनता से जुड़ने के लिए जनता के इश्यूज को उठाने के लिए तो मेरे ख्याल है आज से पचास साल पहले जो जिस 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 उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था शायद उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आ, मेरे लिए आई थिंक जन्म में ज़्यादातर लोग शायद मुझसे अग्री करेंगे जो सफदर भी कहते थे कि लोगों की एनर्जी हमको आगे ले जाती है और वही हमको हर रोज़ काम करने पर इंस्पायर करती है क्योंकि जब हम जाते हैं और जैसे प्रियंका बोल रही थी कि जब वो जा पहली बार गई या अब भी जाती है तो लोगों के चेहरे दे देख कर जो एनर्जी मिलती है वो अपने काम से वक्त निकाल कर अपनी हर रोज़ की जिंदगी से वक्त निकालते हैं और हमारे नाटक आकर देखते हैं और हमें वक्त देते हैं दैट आई थिंक गिवज आस अ लॉट ऑफ एनर्जी और वो हमको आगे काम करने की आ, हिम्मत देती है मेरे लिए एक तो मैं वो अशोक और सानिया दोनों से अग्री करती हूँ इस बात पे कि जनता के बीच में जाके नाटक करना जनता के मुद्दे उठाना और साथ साथ जो ऑन ग्राउंड उस जनता के बीच में काम कर रहे हैं हमारे जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन उ, उनके साथ उनको सपोर्ट करना और उनके काम को सपोर्ट करते हुए जा नाटक करना ये एक बहुत बड़ा इंस्परेशन है मेरे हिसाब से Uh, मुझे एक चीज़ जो लगती है जो मैं मानता हूँ कि uh, एक बहुत बड़ा फैक्टर है नाट्य मंच के इतने लंबे दौर तक काम करने का वो ये है कि uh, नाट्य मंच जो काम करता है उसमें कलात्मक चीज़ें तो होती ही हैं एक आर्टिस्टिक एस्पेक्ट तो होता ही है पर जिस तरीके से नाट्य मंच का जो एक सम्मेलन है बिटवीन आर्ट एंड पॉलिटिक्स क्योंकि पॉलिटिक्स बदलता रहता है कई दौर आते हैं कई चीज़ें आती हैं और उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में जोड़ के ऑब्वियसली जैसा तीनों साथियों ने कहा कि हम जनता के बीच में ले जाते हैं पर एक जो ये नींव है कि हम एक पॉलिटिकल चीज़ को एक आर्टिस्ट एक मतलब मज़बूत आर्टिस्टिक तरीके से कह सकते हैं और इस तरीके से जो काम करने का है तो आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो मदद करती है नाट्य मंच को कंटिन्यू करने <laughs> मैं इतने सालों से जननाट्य मंच में हूँ ये कह पाना मुश्किल है कि मेरे लिए इसका मैं इसके दो पहलू हैं मैं बताऊँ एक तो जो पहलू आप सब ने बताया कि बीच ज... लोगों के बीच में जाना लेकिन मुझे लगता है कि आ, काम एज अ ग्रुप अगर मैं देखूँ ये ग्रुप क्यों चलता रहा है और क्यों चलता रहेगा आगे तक मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि आ, हमारा काम जो है जैसे पचास साल में चल रहा है तो सौ साल तक भी चलेगा और न्यूज क्लिक जो है फिर हमारा यहाँ पे किसी और लोगों के साथ बैठ के ऐसे ही या किसी और हाई फाई रूप में मुझे नहीं मालूम तब टेक्निकली क्या हो जाएगा लेकिन डेफिनेटली एक और इंटरव्यू ऐसे होगा तो ये न्यूज़ फ्लिक को भी अपने आने वाले पीढ़ी को बताना चाहिए कि वो सौ साल बाद होगा लेकिन मुझे लगता है दो पहलू हैं हमारे काम का एक तो ये है कि ग्रुप चलता है क्योंकि लोग जुड़े रहते हैं और मुझे लगता है एक कारण जुड़ने का ये भी है कि जो लोग जुड़ते हैं उन के जिंदगी का एक तरह से समझिए मतलब ये मैं ऐसे ही शब्दों में कह रही हूँ एक्चुअली साइंटिफिकली वो नहीं होता है कि खून का हिस्सा हो जाना जहन का हिस्सा हो जाना वो साइंटिफिक है जहन का हिस्सा हो जाता है जन्नाट्यमच और इसीलिए वो निरंतरता जो है वो चलती रहती है और इसीलिए वो वो निरंतरता जो है वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिफाइंग चीज़ है जन्नाट्य मंच का हम लगातार जो शोज़ करते हैं वो है आ, दूसरा यही है कि हम शोज़ जो करते हैं और हमारी ऑडियंस जैसे रिसीव करती है हमारे शोज़ को उससे भी हमारा काम आगे बढ़ता है जी तो ये थे जन्नाट्य मंच के कलाकार न्यूज क्लिक के साथ जिन्होंने बात की कि जब शुरुआत से लेकर उन्नीस में जब ग्रुप शुरू हुआ था उसके पहले से भी शुरू हो चुका था और अभी जो 50 साल पूरे हो गए हैं इस बीच में क्या जर्नी रही है किस तरह के नाटक होते हैं अभी क्या फ़र्क आया है परफॉर्मेंसेज में ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी का कि ये न्यूज़ क्लिक पर हमसे बात इन लोगों ने की आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक को हमारे और वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए शुक्रिया